सायपुर में जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। सुबह जैसे ही पता लगा, प्रशासन पूरे तरीके से जितना बन सका उतनी परिवारों की मदद करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा हुई सुबह, उन्होंने तुरंत राहत राशि घोषणा की। जो बच्चे हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, मृत हो गए, उनके परिवार के लिए 4 लाख रुपए की मदद दी जाएगी और जो घायल हुए उनको 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा जो भी बन सकेगा, सरकार पूरी तरीके से जिन परिवारों पर दुख का पहाड़ टूटा है उनके साथ है। हम सब लोग आज यहीं घटना स्थल पर खड़े हुए हैं, सायपुर में जहाँ घटना घटी है, और यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था भी करवा दी है। कलेक्टर महोदय को भी हमने निर्देश दिया है कि आप मध्य सागर जिले की और शहर की और गांव की सारी ऐसी सरकारी भवन हो चाहे प्राइवेट भवन हो जो बहुत पुराने हो चुके हैं, उनके आसपास कोई कार्यक्रम ना, इस प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित ना हो, बच्चों की कोई कार्यक्रम आयोजित ना हो, ताकि कोशिश करेंगे हम लोग की घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ऐसी ना हो। बहुत दुखद घटना है जो भी, कारण जो समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया, आप लोगों ने भी देखा है और हम लोग तो भी मौके पर ही हैं, तो कारण है इसका दीवार गिरना। और दीवार गिरने से पहले जो बच्चे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे वो एक टेंट के अंदर, तो टेंट के ऊपर पॉलीथीन लगी हुई थी वाटरप्रूफ करने के लिए, उसको उस कारण से शायद बच्चे निकल नहीं पाए और ये घटना हुई है। क्योंकि यहाँ पर सभी 9 बच्चों की मृत्यु उसमें हो गई, 2 बच्चे हैं जिनका इलाज चल रहा है, 2 बच्चों से मिलकर आया हूँ, दोनों बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यही यहाँ पर है घटना, अगर जो भी इसमें कमियाँ हैं उन सबका जाँच में आएंगी। लेकिन सभी लोगों से मेरा आप लोगों के माध्यम से अपील है, अनुरोध है कि ऐसे जो आयोजन आप यदि आप लोग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सुरक्षित स्थानों पर ही करें। और सभी नगर पालिकाओं को मैं निर्देश दूंगा कि वैसे भी ये नगर पालिका अधिनियम का एक है कि जो भी जीर्णशीर्ण मकान है उनको थोड़ा उनको पहले डिसमेंटल किया जाए, और यदि जो मकान बचे हों उनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई तत्काल की जाए।